अलीगढ़ दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अलीगढ़ के दौरे पर है मुख्यमंत्री, बृहद रोजगार ऋण मेले का शुभारंभ करेंगे। गुरुकुल पब्लिक स्कूल सोमना रोड में कार्यक्रम आयोजित की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे, उद्यमियों को करीब 35 करोड़ का ऋण भी वितरण करेंगे। 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे, तो 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं के लाभार्थियों को भी यहां पर आपको बता दें कि लाभ होगा। तो वृद्ध रोजगार ऋण मेले का शुभारंभ करेंगे, 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, आपको बताते चले कि उद्यमियों को भी करीब 35 करोड़ का ऋण वितरण करेंगे। 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर हैं और बता दें कि अलीगढ़ का जो दौरा है वो कई मायने में खास रहने वाला है। 705 करोड़ की 305 जो ऐसी परियोजनाएं हैं उसको लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयदेव खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं? यहां पर अलीगढ़ के छह विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और उसकी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। सबसे सबसे पास पुलिस सुरक्षा बल भी मौजूद है और वही जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है 304 परियोजना का शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। बताया जाता है कि यह मेले का शुभारंभ किया जाएगा और मेले का शुभारंभ बेरोजगार छात्राओं को और अन्य लोगों को भी रोजगार देने का कार्य करेंगे। वहीं 1000 लैपटॉप वितरण भी किए जाएंगे जी। तो इस विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, कौन कौन से मुख्यमंत्री के अलावा जो दिग्गज नेता हैं क्या उसमें शिरकत करेंगे? और जिस तरह से लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो हमलावर है रोजगार को लेकर, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं टैबलेट वितरण करते आएंगे नजर आएंगे, छात्राओं को यहाँ पर जो मनोबल को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, तो क्या जो ये लोकार्पण करेंगे, जो ये छात्रों को टैबलेट वितरण करेंगे, एक तरह से जिस तरह से रोजगार मेले का आयोजन को लेकर के सवाल था, क्या उस पर विराम लगाने की भरपूर कोशिश है? यहाँ पर जो है इस बार छह विधानसभा में उपचुनाव होने की तैयारी है और इसी को लेकर लगातार जो है भाजपा सरकार जो है अपनी सीट को निकालने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं विपक्षी लगातार रोजगार और बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठा रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक जो है मंत्र रचा है, शायद ये उनके काम में आए, ये वक्त ही बताएगा जी। बहुत शुक्रिया जय डेखान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि विशाल जनसभा की तैयारी पूरी कर ली गई है और आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 10 सीटों पर 10 विधानसभा के सीटों का उपचुनाव होने वाला है और इसी के मद्देनजर लगातार तमाम तरीके की जो पार्टियां यहां पर अपनी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है, इसी कड़ी में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान वो आपको बता दें कि अलीगढ़ को कई बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। रोजगार ऋण मेले का शुभारंभ करेंगे, तो 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे।